हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय गणित, और ये चैप्टर हम कल शुरू किए थे घन और घनमूल, और मैंने कल आपको उसके बारे में बताया भी था कुछ, और सवाल का प्रैक्टिस भी करवाया था स्टूडेंट। तो ये पार्ट क्या है, लेसन 4 है ये, और उसमें मैंने 4.1 अभ्यास तो करवा चुके हैं, 4.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले हमने कल पढ़ा था घन के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे घनमूल के बारे में। तो घनमूल क्या होता है, कैसे करते हैं, इसको हम देखते हैं, ठीक है। घनमूल, अब घनमूल में जैसे कि आपको बताया गया था कि स्क्वायर में हम लोग यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 3 की पावर, कोई एन फार्मूला है तो इसको जब हटाएंगे रूट तो क्या आएगा आपका एन पावर 1/3, जहां जहां 2 था वहां क्या आता था 3। ये घन का घनमूल का एक फार्मूला है। अच्छा स्टूडेंट, तो एक छोटा सा प्रतिरूप है उसको हम लिख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो। वैसे भी एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला भी हम लिखवा देंगे। तो इसका एक प्रतिरूप है, देखो प्रतिरूप कैसा है, मान लो यहाँ क्या है 1, 1 की पावर 3 लिखेंगे, इसी में 0 की पावर 3 लिखेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 का कितना 1, 1 में 0 गया 1, इसका आंसर 0 कितना होगा 1 आएगा। अब यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, यहाँ कितना आएगा आपका, आएगा 7 आएगा। अब यहां लिखेंगे हम लोग 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, कितना आएगा आपका 19 आएगा। अब यहां लिखेंगे 4 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, बराबर कितना आएगा आपका 37 आएगा। और करते हैं इसको 5 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3, कितना आएगा आपका 61 आएगा। और 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 इक्वल कितना आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 91। और 7 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3 कितना आएगा, 127 आएगा। और भी आएंगे कुछ, हम चेक कर लेते हैं क्या आएगा, तो आगे आएगा 169 आएगा ना। तो 8 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3 करेंगे तो 169 आएगा, ये करेंगे 9 की पावर 3 यहाँ करेंगे तो कितना 9 की पावर 3 हो गया 8 हो गया ना, 8 की पावर 3 कितना आएगा 217। तो स्टूडेंट और भी आगे होगा, मैंने लगभग इतना कर दिया है। तो ये क्या है, एक फॉर्म है, मतलब कि ये संख्या याद रखना कि ये संख्या कैसे आया है। हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या पढ़ते चले गए, सब पे घन लगाते चले गए, सब पे क्या लगाया, घन लगाया 3, 3, 3, वही काम हमने 0 से किया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एक कम है इससे, तो यहाँ 5 ही लगाया। अगर यहाँ 2 गुणा करेंगे 2, 3, 4, 3, 8, यहाँ करेंगे 1, तो 8 से 1 गया 7, यहाँ करेंगे 3, 3, 3, 27, और यहाँ पे आएगा 2, 3, 4, 3, 8, 27 से 8 गया कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 19। अगर यहाँ करेंगे 4, 4, 16, 16, 6, 64 माइनस 27 करेंगे कितना आएगा 37। तो ये एक फॉर्म है, ये आपको याद रखना इसमें बहुत जरूरी है, और याद करने के लिए अगर आपको याद नहीं होता है तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, क्या बड़ा आप लोग, एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं आपको, फॉर्मूला है 1+n ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणे 3, ये फॉर्मूला बचे, और यहां पे आप n बराबर क्या मान सकते हैं, n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, आप किसी भी संख्या को यहां एक एक करके रखते चले जाओ आपको ये मिलता चला जाएगा। यहाँ 1 रखोगे ये मिलेगा, 2 रखोगे ये मिलेगा, 3 रखोगे इसमें 19 मिलेगा, 4 रखोगे 37 मिलेगा, 5 रखोगे 67 मिलेगा,
और छह रखोगे 91 मिलेगा, सात रखोगे 127 मिलेगा, आठ रखोगे 170 मिलेगा। तो आप इस में एक एक संख्या रखते चले जाओ, आपको ये वैल्यू मिलती चल जाएगी। ये वैल्यू क्यों बार बता रहे हैं, क्योंकि इसी वैल्यू को बेस पे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लगाते हैं न्यूमेरिकल। ठीक, और न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जरा आप देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है 4.2, मैंने 4.2, तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का सतत घटाव विधि द्वारा वर्णन करेंगे। सतत घटाव, ये जो घटाना कर रहा है ना, यही क्वेश्चन पूछा है। सतत घटाव विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे, बोला है सतत घटाव। क्या बोला था, यहां लिखा है, मैं लिख रहा हूं सतत घटाव विधि। अब वो विधि क्या है, जरा देखो आप लोग। इस विधि का सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है 125। अब 125 क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जब 125 करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, और 125 कर लिख लो तो 25, यहाँ पहले क्या लिख रहा है माइनस, यहाँ लिखो माइनस। ठीक है, यहाँ मान दिख रहा है आपको, मान करेंगे कितना आएगा 125 है ना, ये 124 आएगा। ठीक, अब 124 लिखो, 124 माइनस दूसरा क्या है 7, यहाँ 7 कितना आएगा आपका 119। अब 119 यहाँ लिखोगा, ठीक है, माइनस कितना करेंगे 19 करेंगे। ठीक है, 17 आएगा, तो 17 लिखो यहाँ पे। ठीक है, अब ये 19 ही रहेगा, घटाव कितना आएगा 98 आएगा। 98 यहाँ लिखो, 98 माइनस कितना लिखेंगे 37, तो 37 लिखो यहाँ पे, आपका आएगा मान करने पे 61 आएगा। ठीक है, अब 61 यहाँ लिखो, 61 माइनस कितना है 61, तो 61 में क्या कितना आएगा 0, यानी कि इतना जहां 0 आएगा वही रोक दो। अब क्या संख्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, आपका आंसर क्या हो गया, आपका 5 आंसर हो गया। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चे, कैसे करेंगे यहां देखो, क्या इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं 125, तो बराबर क्या लिखेंगे 5 × 5 × 5 जोड़ा बना, आंसर आया 5, तो भी 5 आएगा, तो भी 5 आएगा, लेकिन सतत घटाव विधि निकालना हमको कैसे करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 729 है। ठीक है, 729। अब इसको हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 729, वैसे ही करेंगे। पहले क्या करेंगे माइनस 1, तो कितना आएगा बेटा, करेंगे तो 728। तो कैंसिल नंबर है, तो बराबर कर लेते हैं। अब 728 माइनस क्या है 7, ध्यान को 7 कितना आएगा 721 आएगा। अब 721 यहाँ उतारो माइनस कितना लिखेंगे 19, यहाँ 19 करेंगे कितना आएगा 702 आएगा। 702 यहाँ लिखो माइनस किससे करेंगे 37, तो 37 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हटाते चले जाओ, आपका आएगा 665 यहाँ लिखो, तो 665 माइनस 61 कितना आएगा आपका, मन करने पे 604 आएगा। अब 604 को भी नीचे लिखो, 604 माइनस कितना 61 हो गया है 91, 91 करो कितना आएगा 513 आएगा। 513 लिखो, 513 माइनस कितना लिखेंगे 91, क्या लिखेंगे 127, तो 127 लिखो कितना आएगा आपका 386 आएगा।
अभी सच में आई हूँ, 386 माइनस कितना है 170, 170 लिखो बेटा, कितना है 217 यहाँ लिखो, 217 माइनस कितना है 217 है, जो कट गया ना कितना आएगा 0। अब गिन लो कितनी बार आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार आया है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 9 आपका आंसर हो गया। अगर इसका घनमूल करोगे तो अभी कितना आएगा करोगे यहाँ पे 729 का, तो लिखेंगे क्या आएंगे 9 × 9 × 9 और आपका कितना आएगा, तो भी 9 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपके ये दो सवाल मैंने बता दिया है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो ये आपने पढ़ चुके हो, लगाए भी हो, बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड आपको आता है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, ये भी दूसरे का पहला है, तो बहुत सरल है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसको अभाज्य करना है, मतलब क्या 1331 से लेके अभाज्य गुणनखंड 11 का कितना आएगा 121, फिर 11 का कितना आएगा 11, फिर 11 का कितना आएगा 1, कितना आया 11 × 11 × 11 तीन जोड़ा बना, आपका आंसर कितना आया 11। ये बेटा आपका आंसर हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इससे लेते हैं थर्ड वाला, 40 छांव। अब 40 छांव में तो हम लोग काटते हैं, दोस्त काटो आप लोग, दोस्त काटे कितना आएगा यहाँ पे 2 × 4 2 × 0 2 × 8 2 × 8 16 2 × 2 0 2 × 4 2 × 8 2 × 5 10 2 × 5 10 आया 2 × 2 2 × 4 दोस्त काटो 2 × 4 एक जुड़ेगा 2 × 5 10 2 × 6 5 2 × 2 2 × 4 2 × 8 16 2 × 2 2 × 6 12 2 × 4 कितना आएगा 32 आपको 16 8 4 2 1। तो जितनी बार आया स्टूडेंट उतनी बार लिख लो, क्या बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ रहा है, तो लिखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जोड़ो बनाओ, एक ये बनाओ, एक ये बनाओ, एक ये बनाओ और एक ये बन, तो यहाँ 2 उठाओ, तो यहाँ 2 लेंगे कितना आएगा 2, यहाँ 2 लो और यहाँ 2 लो, यहाँ 2 कितना आएगा 2, 2 × 4 × 8 = 16 आपका आंसर कितना आएगा बेटा, आपका जो आंसर आएगा 16 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बेटा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जरा आप लोग, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाए, मतलब कि हमें सवाल सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमें छोटी छोटी संख्या निकालनी है, जो भी वैल्यू आएगी अगर उससे गुणा करेंगे तो वो घनमूल बन जाए, क्या बन जाए घनमूल। क्वेश्चन नंबर तीसरे का देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहला का तीसरा ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, तीसरी करीब होगी, ठीक है 243 लिख करते हैं। अब इसको आप लोग सॉल्व करो, क्या आएगा किसे 2 × 2 2 × 4 2 × 3 3 × 24 3 × 3 21 3 3 × 6 3 × 21
यहाँ पे आएगा नौ, यहाँ करोगे तीन आएगा, यहाँ करोगे तीन से एक, बिकॉज दोस्त तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन कितनी बार है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, जोड़ा बनाओ, ये जोड़ा बनाओ। अब यहाँ पे अगर एक तीन और होता तो ये भी एक घनमूल का रूप ले लेता, मतलब क्या मिसिंग है, ये तीन मिसिंग है, यानी ये तीन है ही नहीं। इसका मतलब ये है अगर तीन से गुणा करें तो यह पूर्ण धन होगा, और तीन से गुणा करने पर ये क्या बन जाएगा, पूर्ण धन बन जाएगा। तो इसी टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन है थर्ड का, यह है 61.25। अब आप इस संख्या को आप काटते चले जाओ, पांच क्या है, सिंपल है, पांच काटो तो पांच का पांच यहां जोड़ो, पांच दूनी दस, पांच दूनी दस पचास पच्चीस, पांच काटो पांच दूनी दस पांच बीस, ठीक है पांच बीस पचास पच्चीस, पांच काटो पांच बीस पन्ना पैतालीस। अब यहां पे आएगा सात सत्ते उनचास सात एक, इससे गुणा क्या बना होगा, पांच बुढ़े पांच बुढ़े पांच बुढ़े सात बुढ़े सात। अब अगर इसको हम करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये जोड़ा बना, ये नहीं बन रहा, मतलब सात मिसिंग है, यानी सात से गुणा करें तो यह पूर्ण धन बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ये वाला एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू।